तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रीन स्किल्स क्या होती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और ग्रीन इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीडेड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंपोजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द एनवायरमेंट एंड सोशल वेल्थ। इसका कहना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं कि जो आज की हमारी ज़रूरतें हैं उसको तो पूरा करे ही, लेकिन जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल हमें आज की नीड तो पूरी कर रहा है, लेकिन आज से कुछ साल बाद हो सकता है ये विलुप्त हो जाए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक चीज है, किसी को नहीं पता कि कितनी है ये। जैसे ठीक है, तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो आज की हमारी नीड्स है उसे तो पूरा करे ही, लेकिन जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या दिक्कतें आती है, तो अब चलते हैं इस पे। पहली दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि एक तो जैसे कि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है, पॉपुलेशन अधिक होने के कारण हम क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पाते। हम क्या है कि केमिकल फार्मिंग करते हैं जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अब ये भी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे केमिकली फार्मिंग तो क्या है पॉपुलेशन में नीडेड जो है हमारी आज की वह पूरी नहीं हो पाएगी। केमिकल से हमारी जो मिट्टी है उसमें कमी आती है काफ़ी आगे, ये अभी तो हमें देरी है ये उगा के, लेकिन आगे कुछ समय बाद ये क्या है बंजर पड़ जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं हम, बायो फर्टिलाइजर का यूज़ कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर जैसे कि गाय का जो गोबर होता है वह भी एक बायोटिक चीज़ है जो फर्टिलाइजर के काम में हम ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आता है बायोडीजल फ्यूल, हम किसका यूज़ कर सकते हैं, बायोडीजल फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बायोडीजल जो फ्यूल है उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई प्राकृतिक नहीं है, इसको हम बना सकते हैं। जैसे कि कोई वेस्ट जो मटेरियल होता है उनसे बन जाता है, जैसे कि मीथेन गैस होती है वह गोबर से बन जाती है। ठीक है, तो बायोडीजल जो गैस है ये भी हम बना सकते हैं आज, और बायोडीजल जब फ्यूल बन जाएगा तो फिर हाइब्रिड कार चलेंगी, जैसे कि जिनका इंजन में सिर्फ बायोडीजल ही हम डाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेक एनर्जी विद सोलर, हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से बिजली पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या है हमारी आज की नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, और ये जो सोलर से हम बिजली उत्पन्न करेंगे वे काफ़ी सस्ती भी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है पूरी सूर्य पर आधारित रहती है, तो सूर्य तो 24 घंटे नहीं 12 घंटे रहता है और अधिकतम 365 दिन ही रहता है। ठीक है, तो इससे हमारी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, सोलर एनर्जी से क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे सोलर पर डायरेक्टली सूर्य की किरणें पड़ेगी जिससे बिजली उत्पन्न हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, वर्ल्ड स्तर पे जो है हमारी UNO है, UNO ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स बताए हैं जो हमारे विश्व को ट्रांसफॉर्म करने में यूज़ होंगे, जैसे कि गरीबी ना हो, कोई भूखा ना रहे, अच्छी हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, इक्वालिटी जेंडर जो होता है हमारे देश में, अधिकतम देश में होता है कि भेदभाव करा जाता है महिला पुरुष में, वह ना हो, क्लीन वाटर मिले, सोलर एनर्जी मिले, हम कम से कम मेहनत करें और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री लगे, इनोवेशन आए, नए नए तरीके से किसी चीज़ को करा जाए, जो ट्रेडिशनल चीज़ चल रही है अर्थात पुरानी जो परंपरा से चीज़ें चल रही हैं उसको नए इनोवेशन में
क्रिएट करके डेवलपमेंट किया जाए, इनइक्वालिटी कम हो, सस्टेनेबल सिटीज बनाए, ग्रीन सिटीज बनाए, ठीक है। और जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम देखें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कब होता है, जब हमारे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्लाइमेट चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। जो हमारा जो वाटर है, जो हमारा बिलो वाटर है, जहाँ पे हमारी फिशेज रहती हैं, ठीक है, उसको हम क्लीन रखें, ठीक है, लैंड को क्लीन रखें हम, ठीक है। तो ये जो है हमारे 17 कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, ये UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे चलते हैं हम, ग्रीन इकोनॉमी किसे कहते हैं, ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं कि जहाँ पे सभी जो डेवलपमेंट है वह किस पे आधारित हो जाए, ग्रीन पे, जैसे कि गाड़ियाँ चले इलेक्ट्रिक, और जो सिटीज बने इलेक्ट्रिक सिटी बन जाए, यानी पूरी इकोनॉमी जो है ग्रीन स्किल्स पे, यानी ग्रीन इनोवेशन पे हमारी आधारित हो जाए, जैसे कि हमारी फार्मिंग हो, फार्मिंग फर्टिलाइजर यूरिया के जगह हम किसके द्वारा कर दें, गोबर के द्वारा कर दें, अर्थात बायो फर्टिलाइजर के द्वारा कर दें, ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। और इसकी ओर हम धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, कारें भी अब नई नई आ रखी हैं, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारें हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ अधिक आ रही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की भी इसमें महत्वपूर्ण योग पहलू है एक पूरा, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन जो नई गाड़ियां वगैरह हैं इलेक्ट्रिक, इसको बढ़ावा देने के लिए उस पर सब्सिडियां दे रही हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन इकोनॉमी। तो धन्यवाद आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। Thank you.